हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉलिड स्टेट का लेक्चर 5 पढ़ेंगे। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक पढ़ा था और उस पर क्वेश्चंस किए थे। इन यूनिट सेल्स में एक यूनिट सेल अभी भी रह जाता है जो कि हेक्सागोनल यूनिट सेल है, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद हम लोग फिर क्लोज पैकिंग्स की तरफ जाएंगे और 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे। और इतना हमारा इस चैप्टर का या इस लेक्चर का ना टारगेट है। तो लेक्चर नंबर फाइव हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल किसे कहते हैं, है ना? आइए समझते हैं। डेफिनेशन के नाम पे मैं इसको इसको डिफाइन करने के लिए शब्दों का ना प्रयोग करके डायग्राम का प्रयोग करता हूं। अगर छह एटम्स हैं और ये एक यूनिट सेल बना रहे हैं, ठीक है, एक यूनिट सेल बना रहे हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे कि इनके बीच ये जो कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, आप कह सकते हैं कि ये जो है ये पीछे वाले से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ पीछे वाले से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक बीच में एक ये एटम मौजूद है। तो ये फर्स्ट लेयर है, ये थर्ड लेयर है, ठीक है ना, फर्स्ट लेयर है, थर्ड लेयर है, और साथ में बीच में है ना तीन एटम ऐसे हैं। अभी थोड़ा समझ में नहीं आएगा, इसको समझना होगा, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है, ये जो तीन लेयर्स हैं इसमें ये जो लेयर है इसका मतलब हो गया कि एक एटम, अगर आप इस लेयर को टॉप से ऊपर से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। एक एटम बीच में है, एक एटम इधर है ये वाला, ठीक है, एक एटम इधर है ये वाला, ठीक है, फिर दो एटम्स यहाँ आ जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ और ये दोनों हो गए, और ये दोनों दो एटम्स और हो जाएंगे, ठीक है। इनके सेंटर्स को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको एक हेक्सागन बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये फर्स्ट लेयर हो गई इसकी। अब सेकंड सेकंड लेयर जो इसके ऊपर यहाँ है, ये ऐसे हवा में लगी हुई लेयर नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये तीनों कालों की वजह से ये जो एक खाली जगह बची है उस पे, उसके सेंटर पे ये रेड है, ठीक है ना, ये रेड वाला जो है वो इन तीनों कालों के वजह से के बीच में जो सेंटर है उसके ठीक ऊपर है, ठीक है ना। ऐसे ही अब अगर एक लाल आप यहाँ पे रख देंगे तो फिर ये वाला तो है ना जो खाली जगह है वो तो भर जाएगी, फिर आप एटम को यहाँ ही रख सकते हैं, ठीक है। तो एक एटम आप यहाँ रख देंगे और तीसरा एटम, ये जगह भी नहीं खाली बचेगी तो ये तीसरा एटम आप यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो ये जो हेक्सागोनल यूनिट सेल है उसका आर्किटेक्चर कुछ ऐसा है। अच्छा, ये तो हमने अपने हिसाब से इतना हम देख रहे हैं, एक्चुअली करोड़ों एटम्स फर्स्ट लेयर में, सी करोड़ों एटम्स सेकंड लेयर में, और फिर करोड़ों एटम्स क्या थर्ड लेयर में इस तरह से अरेंज्ड होंगे, ठीक है ना, अरेंज्ड होंगे इस यूनिट सेल में। तो ये आपका हेक्सागोनल यूनिट सेल का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अगर आप रेडियस की बात करें तो आप इसका रेडियस भी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। आप जानते हैं हम लोग कि इस दूरी को हम लोग ए कहते हैं, एज लेंथ, ठीक है। तो ये हमारा एज लेंथ है, ए हमारा एज लेंथ है, ये रेडियस है आर, ये आर है। तो सेकंड चीज, हम रेडियस क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये जो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 2r है, 2r इज इक्वल्स टू क्या ए, सो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू 2r, ठीक है, यानी r इज इक्वल्स टू ए बाई टू। एक चीज और मिल गया। तीसरी बात, हेक्सागोनल यूनिट सेल में एक और डायमेंशन होता है ना, ठीक है। सारे हेक्सागन्स की एज लेंथ ए तो है ही है, साथ में इस हेक्सागोनल यूनिट सेल की ऊंचाई जो है वो h होगी, ठीक है। तो जैसे a और रेडियस के बीच में मैंने रिलेशनशिप निकाला है, वैसे ही h और रेडियस के बीच में भी हमें एक रिलेशनशिप निकालने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं हम लोग h और a के बीच में रिलेशनशिप। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, क्या तीन रेड जो है वो एक एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में है, और इनके ठीक सेंट्रॉइड के नीचे यहाँ पे एक ब्लैक स्फेयर यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, एक ब्लैक स्फेयर है यहाँ पे, ठीक है। इसका भी साइज लगभग उसी रेड वाले स्फेयर के बराबर ही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे रखा हुआ है ऐसे, ब्लैक स्फेयर। अब होता क्या है ना, ये जो हाइट होगी,
ये h बाई टू हो जाएगी, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूं कि ये जो हाइट है यहां से यहां तक, ठीक है, ये h बाई टू है, h बाई टू है, ठीक है, ये h बाई टू है। ये जो दूरी है, ठीक है, ये जो दूरी है ये h बाई टू है, ठीक है। और ये जो दूरी है आप देख सकते हैं इस काले वाले, ये जो काला है वो ये रहा, ये जो बीच में है ये रहा काला, और ये जो लाल है रेड वाला है ये रहा, ये रहा। तो आप देख सकते हैं काले के ऊपर रेड रखा हुआ है, काला ऐसे है उसके ऊपर तीन रेड रखा है, तीनों रेड बीच वाले काले स्फीयर को टच कर रहे हैं, ठीक है, बीच वाले काले स्फीयर को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूं कि ये जो लाल है वो इस काले को टच कर रहा है। तो जब भी दो स्फीयर एक दूसरे को टच करेंगे उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2r, ठीक है, उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो अब अगर मैं ये दूरी अगर निकाल लूं x, तो मैं कह सकता हूं ये जो है ये 90 डिग्री है, ये चीज 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये जो है 90 डिग्री है, इसको x कह रहा हूं मैं। तो मैं कह सकता हूं ये 90 डिग्री इसलिए है क्योंकि आप ये जो तीन स्फीयर हैं ये इस लेयर में है, आप पहले h बाई टू ऊपर जा रहे हैं और फिर x इस तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों एक लेयर में है, आप h बाई टू अगर ऊपर जाते हैं, ठीक है, अगर आप h बाई टू ऊपर जाते हैं और फिर यहां से इस तरफ बढ़ते हैं, तो ये जो बढ़ रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो ये 2r हो गया, ये h बाई टू हो गया, ये x हो गया। हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि 2r का होल स्क्वायर हाइपोटन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू h बाई टू का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है, ये चीज मैंने कही। लेकिन अभी भी मुझे x की वैल्यू नहीं पता, अगर x की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी तो मैं h को r के टर्म्स में निकाल लूंगा, ठीक है। आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक काम करते हैं, ये जो तीन एटम से बना ट्रायंगल है इसको सीधा करके बोर्ड पे लाते हैं। अगर आप इस ट्रायंगल को बोर्ड पे ले आएंगे तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर आप इसको ऐसे बोर्ड पे ले आएंगे तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका एज लेंथ ए है या 2r है, ये जो दूरी है ये 2r है, ठीक है। अब आप एक काम करिए, इसको ऐसे करिए और यहां से ये इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये एंगल चूंकि ये हाफ हाफ है, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है ना, इसी की वैल्यू मुझे निकालनी है x, ठीक है। और मैं देख रहा हूं ये दूरी r है, ठीक है, ये दूरी r है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये 30 डिग्री है, ठीक है, अगर ये 30 डिग्री है तो बेस अपॉन हाइपोटन्यूज यानी r अपॉन x जो होगा, ठीक है, r अपॉन, ये r इसलिए है क्योंकि ये दोनों लाल स्फीयर एक दूसरे को यहां टच कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये दोनों लाल स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यानी इनके बीच के सेंटर्स की जो दूरी होगी वो r r कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी, ठीक है, इनके बीच की दूरी जो है 2r हो जाएगी, इससे मैंने इनके बीच की दूरी 2r लिया, यानी इनके बीच में इस मिड पॉइंट से दूरी r हो जाएगी। अब आप लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटन्यूज r अपॉन x इज इक्वल्स टू कॉस 30 डिग्री, ठीक है ना, r अपॉन x इज इक्वल्स टू कॉस 30 डिग्री। आप r अपॉन x इज इक्वल्स टू कॉस 30 डिग्री इज रूट 3 बाई 2, यानी x इज इक्वल्स टू 2r बाई रूट 3, ठीक है, 2r बाय रूट 3 हो गया। इस वैल्यू को आप यहां पे रख दीजिए, ठीक है, आप h की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, क्या आ जाएगा, 4r स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाय 4 प्लस 4r स्क्वायर बाय 3, ये इधर घटा देंगे तो आ जाएगा 8r स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाय 4, यानी आप कह सकते हैं h इज इक्वल्स टू 8 4 32 आर स्क्वायर बाई 3, और आप लिख सकते हैं इसको, है ना, आप इसको लिख सकते हैं, है ना, h इज इक्वल्स टू 4 रूट 2 बाय रूट 3 आर, ठीक है। तो ये एक और चीज जो है हमें मिल गई, ठीक है, एक चीज हमें मिला था यहाँ पे, रेडियस इज इक्वल्स टू क्या a बाई 2, और यहां पर मैंने सॉल्व किया है ना, तो मुझे मिला 8 4 32 आर स्क्वायर बाई 3 इज एच स्क्वायर इज
32 आर स्क्वायर बाई 3, एच इज इक्वल टू 4 रूट 2 बाई रूट 3 आर। ठीक है, तो ये मैंने तीन चीजें कैलकुलेट कर ली यहां पे, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे दिया, मैंने आपको ए और आर के बीच में रेडियस निकाल, ए और आर के बीच का रिलेशनशिप निकाल लिया, एच और आर के बीच में भी हम लोगों ने रिलेशनशिप निकाल लिया। आइए अब जेड निकालते हैं। जेड जेड है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, ये तीनों रेड स्फीयर का कॉन्ट्रीब्यूशन वन है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये इस हेक्सागोनल यूनिट सेल के अंदर ये तीनों रेड स्फीयर है। ठीक है, यानी आप इसको लिख सकते हैं 1 × 3 प्लस। अगर आप इस ब्लैक वाले स्फीयर का कॉन्ट्रीब्यूशन गिनेंगे, सिर्फ बीच वाले ब्लैक का, तो ये नीचे वाले हेक्सागोनल यूनिट सेल का छत हो जाएगा और ये ऊपर वाले यूनिट सेल का क्या है, जमीन है। यानी ये जो है ये दो यूनिट सेल में बटा हुआ है, नीचे और ऊपर। ठीक है, यानी इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, हाफ। ठीक है, इसका भी हाफ होगा बीच वाले का, यानी हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन वाले दो लोग मौजूद हैं, है ना, इंटू टू हो जाएगा प्लस। अब मेन दिक्कत क्या है, ये कोने वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन जानना। ठीक है, कोने वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन जानना। आपको मालूम है कोई भी कोने वाला जो है वो एटम जो है वो छह हेक्सागन का पार्ट होगा। मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, मान लीजिए ये एक कोना है हेक्सागन का, तो ये इस हेक्सागन का भी कोना है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं ये इस हेक्सागन का भी कोना है। अगर ये इस हेक्सागन का कोना है तो एक एटम तीन हेक्सागन का कोना होता है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इन दोनों हेक्सागन को हटा दूं, नहीं तो अगर ये तीन हेक्सागन का कोना है तो एक के हिस्से में कितना आया, 1/3। ठीक है ना, यानी 1/3 आ गया, यानी ये जो कोने वाला है इसका सिर्फ 1/3 पार्ट ही इस हेक्सागन के अंदर है। ठीक है, तो मैंने इसे मिटा दिया, मैंने देखा इसका 1/3 पार्ट ही इस हेक्सागन के अंदर है। ये जो 1/3 पार्ट है ना, जो हेक्सागन के अंदर है, इसका ये जो है ये खुद दो भाग में बट गया है। ठीक है ना, ये खुद दो भाग में बट गया है ना, ऊपर और नीचे। ठीक है, तो पहले क्या था, एक एटम था वो तीन हेक्सागन का पार्ट है, तो एक के हिस्से में कितना आया, 1/3। 1/3 भी पूरा इस हेक्सागन का पार्ट नहीं है। ठीक है, 1/3 का आधा नीचे और आधा क्या, ऊपर वाले यूनिट हो जाएगा, बट जाएगा। यानी एक पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर उसका कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ कितना होगा, 1/3 का हाफ, यानी कितना, 1/6। आप समझ रहे मेरी बात, इसका भी आधा ही नीचे है, आधा ऊपर वाले यूनिट सेल का पार्ट है। यानी इसका एक यूनिट सेल के अंदर इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, अगर एक यूनिट सेल के अंदर इसका कॉन्ट्रीब्यूशन गिनेंगे आप, ठीक है, तो वो 1/3 का हाफ हो जाएगा, यानी 1/6 हो जाएगा। ठीक है ना, 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो है ये 1/6 कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये 1/6, ये 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है ना, तो ऐसे 1/6 कॉन्ट्रीब्यूशन वाले छह लोग यहां हैं, और छह लोग 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6, छह लोग नीचे हैं, यानी 12 लोग 1/6 कॉन्ट्रीब्यूशन वाले हैं। यानी 1/6 × 12 लिख सकते हैं, 6 2s 2 1s, जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 + 1 + 2, यानी कितना हो जाएगा, 6, यानी जेड इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है ना, जेड इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हो गया, यानी एक हेक्सागोनल यूनिट सेल में 6 एटम इफेक्टिवली होते हैं। अब अगली बात बचती है डेंसिटी और कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर आप तुरंत निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। एक एटम अपने प्लेन में, ये जो काला वाला स्फीयर है ये अपने प्लेन में कितने लोग को टच कर रहा है, 6। ठीक है, 6 लोग को टच कर रहा है, 6 कालों को टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो एक काला वाला स्फीयर अपने प्लेन में 6 लोगों को टच कर रहा है, अपने प्लेन के ऊपर कितने लोग को टच कर रहा है, 3, 1 2 3 ऊपर टच कर रहा है। तो 3 जैसे ऊपर टच कर रहा है, ऐसे ही 3 नीचे से भी उसको टच कर रहे होंगे, 3 लोग नीचे से भी उसको क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे। यानी 3 3 6 और अपने प्लेन में 6 कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी एटम केप्ट इन हेक्सागोनल यूनिट सेल इज 12। ठीक है, तो टोटल मुझे 6 बातें निकालनी थी। पहला डेफिनेशन मैंने बता दिया, दूसरा रेडियस और ए के बीच में रिलेशनशिप हो गया,
तीसरा जेड, जेड के बारे में बता दिया, चौथा कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में हम लोग को पता चल गया, पांचवी चीज है डेंसिटी, डेंसिटी इज नहीं सॉरी, पांचवी चीज है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है कि कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है, मतलब पैकिंग फ्रैक्शन इज वॉल्यूम, वॉल्यूम अवेलेबल नीचे लिखते हैं, वॉल्यूम अवेलेबल, और ऊपर लिखते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, ठीक है, वॉल्यूम अवेलेबल और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। मतलब अगर किसी यूनिट सेल में या किसी, जैसे फॉर इंस्टेंस पैकिंग फ्रैक्शन समझना, तो ऐसे समझिए कोई बाल्टी है जिसका कैपेसिटी 10 लीटर है, तो आप 10 लीटर यहां लिखेंगे, लेकिन उसमें 6 लीटर पानी भरा हुआ है तो 6 लीटर ऊपर रखेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड 6 लीटर है और वॉल्यूम अवेलेबल कितना है 10 लीटर, यानी पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ गया 0.6, 0.6 में 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 60, यानी 60% ऑक्यूपाइड है। तो ऐसा ही हम इस पैकिंग, इस यूनिट सेल की भी परसेंटेज ऑक्यूपेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है, हम इस यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, है ना, ईटा को पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन कहा जाता है। पैकिंग फ्रैक्शन इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम अवेलेबल। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना है, इसके अंदर इफेक्टिवली कितने स्फीयर है, 6, ठीक है, 6 स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 6 × 4/3 πr³, ठीक है, 6 स्फीयर्स इसके अंदर है, 6 स्फीयर्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 6 × 4/3 πr³, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो गया। और वॉल्यूम अवेलेबल कितना होगा, कितना वॉल्यूम अवेलेबल है, तो आप वॉल्यूम अवेलेबल बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, वॉल्यूम कितना अवेलेबल है इस यूनिट सेल का, इस यूनिट सेल का में कितना वॉल्यूम अवेलेबल है, कैसे निकालेंगे, बेस एरिया इंटू क्या, हाइट, ठीक है, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट एच। बेस एरिया कैसे निकलेगा, बेस एरिया निकालना उतना मुश्किल काम नहीं है, आप जानते हैं कि इसका जो बेस एरिया है किसी भी हेक्सागन का जो बेस एरिया होता है वो 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल से बना होता है, ठीक है, एक रेगुलर हेक्सागन, एक रेगुलर हेक्सागन 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल से बना होता है, आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से बना हुआ है, ठीक है ना, तो मैं कह सकता हूं इक्विलेटरल इसलिए भी है क्योंकि टोटल एंगल 120 है, तो ये 60, ये 60 और ये 360 है, तो 6 भाग हुआ है, तो ये भी 60 है, ऐसे ये 60 60 60, तो सारे एंगल्स सेम है, 60 60 60 है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ही है। अब 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से बना है, तो बेस एरिया कितना, 6 × एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, 6 × एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको पता है किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, अगर उसका एज लेंथ ए है तो √3a² / 4, ठीक है ना, √3a² / 4, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया, √3a² / 4 हो जाएगा। ये कहां से आया आप निकाल सकते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स में कई सारे फॉर्मूले हैं, आप इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया बेस तो जानते हैं, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड निकाल लीजिएगा, ½ × एल्टीट्यूड × बेस करके भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, तो इतना ही आएगा। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 6 × 4/3 πr³ / 6 √3/4 × a² ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर को लिख सकते हो 4r², ठीक है ना, ए स्क्वायर को हम लोग 4r² लिख सकते हैं, तो इसको मैंने 4r² लिख दिया, इंटू एच को क्या लिख सकते हैं, एच को हम लोग लिख सकते हैं 4√2/√3r, ठीक है, यानी 4√2/√3r, ठीक है, r क्यूब कैंसिल हो गया, 6 6 चला गया, 4 4 चला गया, ये 4 और वो 4 भी चला गया, ठीक है, √3 √3 चला गया, बचा क्या, बचा सिर्फ यहां का पाई, यहां का 3 और यहां का √2, ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू π/√2 0.74, यानी मैं इसका पैकिंग फ्रैक्शन लगभग एफसीसी जैसा ही आता है, आप कह सकते हैं परसेंटेज ऑक्यूपेंसी है ना जो हो जाएगी वो हो जाएगी 74% और परसेंटेज वैकेंसी जो हो जाएगी, वैकेंसी जो हो जाएगी वो 26% हो जाएगी, ठीक है, 26% हो जाएगी। ये आ गया लास्ट चीज जो मुझे इस यूनिट सेल में निकालना है, वो है डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी आ जाएगी, डेंसिटी इज मास
अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम। चलिए मास कैसे निकलेगा, सिक्स इंटू मास ऑफ सिंगल एटम, क्यों, क्योंकि इस एक यूनिट सेल में, इस एक यूनिट सेल में इफेक्टिवली छह एटम है, ठीक है, छह एटम है। अगर छह एटम है और एक का मास m है, मास ऑफ सिंगल एटम m है, तो सिक्स इंटू मास ऑफ सिंगल एटम मास आ जाएगा, है ना। और वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऐसे ही निकाल लीजिए, सिक्स इंटू रूट थ्री ए स्क्वायर बाई फोर इंटू एच, ऐसे आ जाएगा। सिंगल एटम का मास कैसे निकलेगा, आप जानते हैं एक मोल एटम के मास, मास कैसे आएगा, वन इंटू मॉलिक्यूलर वेट, इतना ग्राम, ठीक है भाई। नंबर ऑफ मोल्स से मास कैसे निकालते हैं, जितना नंबर ऑफ मोल्स दिया है इंटू मॉलिक्यूलर वेट, यानी एक मोल एटम का मास एम ग्राम है, एक मोल मतलब एनए, एनए पार्टिकल्स का मास, एनए एटम्स का मास एम ग्राम है, तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा, एम बाय एनए ग्राम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, एनए एटम का मास अगर एम ग्राम है तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा, एम बाई एनए ग्राम। तो एक एटम के मास को ही मुझे यहां रखना है, ठीक है ना। तो फिर समझिएगा, जितने नंबर ऑफ मोल्स दिए होते हैं उसमें मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई करने पे मास आ जाता है। एक मोल एटम का मास एम ग्राम है, एक मोल मतलब एनए, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास एम ग्राम है, तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा, एम बाई एनए, एक एटम का मास यहां रख दीजिए, यानी डेंसिटी आ जाएगी, डेंसिटी इज इक्वल टू सिक्स इंटू एम बाई एनए इंटू सिक्स इंटू रूट थ्री ए स्क्वायर बाई फोर इंटू एच। आप सिक्स सिक्स कैंसिल भी कर सकते हैं, फोर ऊपर भेज सकते हैं, तो डेंसिटी किसी भी है ना हेक्सागोनल यूनिट सेल की कितनी हो जाएगी, फोर इंटू एम बाय एन ए इंटू रूट थ्री ए स्क्वायर एच, आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने यहां पर हेक्सागोनल यूनिट सेल के की छह बातें सीखी और लगभग सब कुछ सीख लिया हेक्सागोनल यूनिट सेल के बारे में। मैंने हेक्सागोनल यूनिट सेल का आपको डेफिनेशन बताया, मैंने हेक्सागोनल यूनिट सेल का आपको ए और रेडियस के बीच का रिलेशनशिप निकालना सिखाया, मैंने सिखाया कि एच और आर के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, हेक्सागोनल यूनिट सेल में छह एटम पर यूनिट सेल होते हैं, हेक्सागोनल यूनिट सेल में किसी भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, मैंने बताया कि इनका पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 होता है, और मैंने ये भी दिखाया कि इनकी डेंसिटी कैसे निकलती है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को इसके बाद क्या पढ़ना है, हम लोगों ने यूनिट सेल्स के बारे में तो पढ़ लिया, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, और यहां पर इसको मैं एचयूसी कह रहा हूं, है एचयूसी। तो हम लोगों ने सारे यूनिट सेल के बारे में पढ़ लिया, यानी ईंटों के बारे में पढ़ लिया। अब इन ईंटों को सजाकर जो इमारत बनती है, बिल्डिंग बनती है, यानी लैटिस बनता है या क्लोज पैकिंग बनता है, उसके बारे में पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो यूनिट सेल हो गया, अब यूनिट सेल के अरेंजमेंट से बनने वाले क्लोज पैकिंग्स की पढ़ाई हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा जो हम लोग शुरू करेंगे, क्लोज्ड पैकिंग्स। क्लोज्ड पैकिंग्स यूनिट सेल्स के लगातार अरेंजमेंट के वजह से बनते हैं, ठीक है। और ये तीन तरह के होते हैं, वन डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग, डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग, दूसरे टू डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग, और थ्री डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले वन डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग उठाते हैं, ठीक है, वन डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। क्लोज्ड पैकिंग, वन डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग क्या होता है, जब भी एटम्स इस तरह से अरेंज्ड हो कि एक सीधी रेखा में या एक एक्सिस की उनको जरूरत हो, तो उस अरेंजमेंट को, जैसे एटम्स अगर इस तरीके से अरेंज्ड हैं, ठीक है ना, एक 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 स्ट्रेट लाइन में इस तरह से अरेंज्ड हैं, तो हम इसको वन डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग कहते हैं, ठीक है ना, वन डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही डायमेंशन या एक ही एक्सिस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आप पूछ सकते हैं कि इसमें यूनिट सेल क्या है, तो यूनिट सेल अक्सर हम उस चीज को कहते हैं जो चीज बार बार रिपीट करने से ये पूरा अरेंजमेंट आ जाए, तो यहां पर यूनिट सेल आप इसको मान सकते हैं, ठीक है, दिस इज यूनिट सेल जिसकी एज लेंथ ए है, ठीक है, ए है, इसको ही आप बार 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 अरेंज करते जाएंगे, ये पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना। आप यूनिट सेल इस स्फीयर को भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ही बार बार रिपीट करने से आपको है ना मिल जा रहा है, ठीक है, लेकिन बाय कन्वेंशन लोग इसी को यूनिट सेल लेते हैं, तो ये वन डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग हो जाएगा, ठीक है। अब आइए टू डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग की बात करते हैं। टू डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग दो तरह की होती है,
ठीक है ना, टू डाइमेंशनल मेंशनल क्लोज्ड पैकिंग दो तरह की होती है, एक स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, पहला स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग क्या होता है, इसको भी समझा जाए। जब भी एटम्स इस तरह से अरेंज हो, जैसे यहां पे मैंने एटम्स को एक वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में अरेंज किया, फिर ठीक इसके सेंटर के नीचे ही दूसरे एटम का सेंटर आ जाए, ठीक इसके नीचे ही दूसरे एटम का सेंटर आ जाए, इसके नीचे ही दूसरे एटम का सेंटर आ जाए। ठीक है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग कहते हैं। ठीक है ना, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि है ना, इनके जो सेंटर्स हैं वो है ना, जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, स्क्वायर मिलता है। ठीक है ना, स्क्वायर मिल जाता है। तो इस तरह का है ये, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग कहलाएगा। ठीक है, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग कहलाएगा, और ये इसका यूनिट सेल हो जाएगा, ये इसका यूनिट सेल हो गया। ठीक है, जिसका लेंथ भी ए होगा और ब्रेड्थ भी क्या होगा, ए होगा। ठीक है ना, तो अगर कोई पूछता है इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का, पैकिंग फ्रैक्शन अगर थ्री डायमेंशनल होता तब तो हम लिखते वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम अवेलेबल, लेकिन ये टू डायमेंशनल है तो इसमें एरिया की बात करेंगे। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, एरिया ऑक्यूपाइड बाय एरिया अवेलेबल। ठीक है, अब एरिया अवेलेबल ये हो जाएगा, एरिया ये पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा। पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, एरिया ऑक्यूपाइड बाय एरिया अवेलेबल, कितना एरिया है इसका, इस यूनिट सेल का, लेंथ और ब्रेथ दोनों ए है। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ ए स्क्वायर। ठीक है, एरिया आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, और कितना एरिया ऑक्यूपाइड है, तो आप देख सकते हैं ये एक क्वाड्रेंट है सर्कल का। ठीक है, एक क्वाड्रेंट सर्कल का है, दो क्वाड्रेंट, तीन क्वाड्रेंट, चार क्वाड्रेंट। ठीक है, चार क्वाड्रेंट हैं सर्कल के, फोर इंटू एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, और एक एरिया, एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बाई क्या, फोर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाई फोर, फोर फोर कैंसिल हो जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब इसको और कैसे फर्दर सॉल्व किया जाए, आप देख सकते हैं यहां से यहां तक एक रेडियस है और यहां से यहां तक दूसरा रेडियस है, यानी आप कह सकते हैं ए इज इक्वल टू क्या, टू आर। ठीक है, ए इज इक्वल टू टू आर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू फोर आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसे सकते हैं पाई आर स्क्वायर बाई फोर आर स्क्वायर। ठीक है, और ये चीज निकल के आती है कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.78। ठीक है ना, ये आप सॉल्व करेंगे तो ये 0.78 आ जाएगा, यानी इसमें एरिया ऑक्यूपेंसी या एरिया ऑक्यूपाइड कितना है ना, 78% एरिया ऑक्यूपाइड है, और कितना एरिया वेकेंट है, एरिया वेकेंट वेकेंसी परसेंटेज वेकेंसी कितना हो जाएगा, 22% हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्लोज पैकिंग कहलाया, जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर्ड क्लोज पैकिंग। ठीक है, एक और क्लोज पैकिंग है टू डायमेंशन में, जिसको हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आइए उसके बारे में सीखते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो अगली क्लोज पैकिंग हो जाएगी हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होता है, इसको भी समझा जाए। जब भी एटम्स, मान लीजिए आपने एटम्स को ऐसे अरेंज किया, ठीक है ना, एक लीनियर, एक एक सीधी रेखा में अरेंज किया आपने एटम्स को, अगला एटम ठीक इसके नीचे ना रख के इस ग्रूव में रखे, इस ग्रूव में रखे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, फिर अगला एटम आप यहां रखिए इस ग्रूव में, इस तरह से, तो इस अरेंजमेंट को हम लोग है ना हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं, वो टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग कहा जाएगा। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके सेंटर्स जोड़ने पर हमें हेक्सागन, हेक्सागन मिलेगा। अगर आप बहुत ध्यान से इनके अगर सेंटर्स जोड़ेंगे, ठीक है, मैं एक लेयर और बना देता हूं ताकि अच्छी क्लैरिटी रहे। ठीक है, तो अगर आप इनके हेक्सागन के सेंटर्स जोड़िए, ठीक है, इन इन सर्कल्स के या इन इन स्फीयर्स के जब सेंटर्स का प्रोजेक्शन जोड़ेंगे तो आपको हेक्सागन मिलेगा। ठीक है ना, एक हेक्सागन मिल रहा है, और इस हेक्सागन की जो
का जो एज है, ठीक है ना, एज है वो ए लेंथ का ही कहा जाएगा, ठीक है ना। हेक्सागन का जो लेंथ है ना, एज का, वो ए कह रहा हूं मैं। तो दिस इज आर, यहां से यहां तक आर है, यहां से यहां तक आर है, और ये एज लेंथ जो है वो ए है, ठीक है। एज लेंथ ए है, और आप देख सकते हैं ये एंगल 120 होगा, यानी ये 1/3 ऑफ अ सर्कल है, ठीक है। एक सर्कल का 1/3 है ये एरिया, 1/3 ऑफ अ सर्कल है। अब ये एरिया ऑक्यूपाइड है, ठीक है, ये एरिया ऑक्यूपाइड है, तो अगर आप चाहें तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन बड़े आराम से निकाल सकते हैं, है ना। इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू एरिया ऑक्यूपाइड, एरिया ऑक्यूपाइड बाय एरिया अवेलेबल, ठीक है। एरिया अवेलेबल कितना है, तो आइए निकालते हैं। एरिया ऑक्यूपाइड कितना है? ये 1/3 ऑफ ए सर्कल है, ये 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, और ये कंप्लीट सर्कल है। तीन 1/3 जोड़कर कितना सर्कल हो जाएगा? एक, ठीक है। तीन 1/3 जोड़ के एक, दो हो गया, और एक बीच में है, तीन। यानी इफेक्टिवली यहां पर चार सर्कल बराबर एरिया ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एक सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, और ऐसे कितने सर्कल हो जाएंगे? चार, ठीक है। अब बच गई बात इस हेक्सागन के एरिया की, ठीक है। तो हेक्सागन का एरिया कैसे निकाला जाए? आपको पता है कि किसी भी हेक्सागन का, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, किसी भी हेक्सागन का एरिया निकालना उतना मुश्किल काम नहीं, ठीक है ना। हेक्सागन जो होता है, कोई भी हेक्सागन होता है, वो एक्चुअली छह इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे तो ये छह इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक दो तीन चार पांच छह, छह इक्विलेटरल ट्राइंगल से बना होता है। इक्विलेटरल क्यों? क्योंकि ये टोटल एंगल 120 होता है, तो ये 60, ये 60, ये 60, ये 60, और ये पूरा 360 को छह भाग में अगर डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अगर किसी ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री हो तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाता है, ठीक है। तो अगर इस हेक्सागन का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ दिस हेक्सागन, हेक्सागन, ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं 6 × एरिया ऑफ अ सिंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए, ठीक है, 6 × एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल फ्रॉम विच दिस हेक्सागन हैज बीन फॉर्म्ड, ठीक है। अब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है हमें मालूम है, कितना? √3a² / 4, ठीक है ना, √3a² / 4 होता है। तो ये इस पूरे हेक्सागन का एरिया हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, है ना, इस एरिया ऑफ द हेक्सागन यहां लिख रहा हूं, यही एरिया अवेलेबल है, 6 × 3 √3a² / 4, मैंने ऐसे लिखा। ए को क्या लिख सकते हैं हम? देख, दिख रहा है ए ये है, ये आर है, ये आर है। मैं ए इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं? 2r, यानी a² बराबर क्या लिख सकता हूं? 4r², ठीक है। तो मैं यहां पे रख रहा हूं 4r², मैं लिख सकता हूं 4 × πr² / 6 √3/4 a² को लिख रहा हूं मैं, 4r², r² 4 4, ठीक है ना, 2 3, ये कितना आ जाएगा? π/3√3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.91, ठीक है ना, 0.91 आ जाएगी। यहां पे मेरे से एक गलती हो रही है, एरिया ऑक्यूपाइड जो हो जाएगा वो 3πr² हो जाएगा, ठीक है ना, 3πr² हो जाएगा। तो इसको मैं फिर से सॉल्व कर दे रहा हूं, 3πr², तो 3 × πr² / 6 √3/4 a² a² क्या हो जाएगा? अभी मैंने देखा a² कितना है, 4r² है, ठीक है ना। तो 4r² है, r² कैंसिल हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 1/2 हो जाएगा। तो दिस इज लाइक π/2√3, जिसकी वैल्यू ऑफ कोर्स 0.91 आएगी, ठीक है ना, 0.91 आ रही है। यानी मैं कह सकता हूं कि यहां पर परसेंटेज ऑक्यूपेंसी जो है, ठीक है ना, ऑक्यूपेंसी जो है वो 91% है, ठीक है, 91%। ये अलग चीज है, ये मैंने अलग से बताया। और परसेंटेज वैकेंसी की बात करिए तो यहां पर है ना कितनी खाली जगह छोड़ी गई है, बहुत अच्छा है ना पैकिंग है, ये बहुत ही एफिशिएंट पैकिंग है, क्योंकि इसमें जितना एरिया है उसका हम लोगों ने 90% ऑक्यूपाई किया और सिर्फ 9% एरिया ही क्या खाली छूट जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गया।
अब आइए थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की बात करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ना टफ भी माना जाता है। थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, आइए इसको भी समझा जाए। ठीक है, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या होता है? फर्स्ट लेयर, इसमें कई लेयर्स हम लगाएंगे जो अलग अलग कलर्स से ना हम लोग लगाएंगे। पहला मैं फर्स्ट लेयर ब्लैक स्फीयर्स का रख रहा हूं, ठीक है ना। तो मैंने ब्लैक स्फीयर्स का पहला लेयर रखना शुरू किया है, ये बिल्कुल लीनियरली अरेंज्ड होंगे और है ना हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में होंगे, यानी है ना टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की तरह ही अरेंज्ड हो जाएंगे ऐसे। तो ये हेक्सागोनल टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की तरह आप इसको अरेंज कर दीजिए। एक और लेयर लगा लिया जाए, से क्लैरिटी रहेगी अंडरस्टैंडिंग में। तो यहां पर मैंने है ना टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कर दिया है ना स्फीयर्स का फर्स्ट लेयर में। तो इस तरह से अरेंज करने के बाद, ठीक है, अरेंज करने के बाद मैं देख सकता हूं कि दो तरह के फर्स्ट लेयर लगने के बाद ग्रूव्स हैं। ठीक है, दो तरह के ग्रूव्स बन रहे हैं, एक वो ग्रूव्स या एक एक वो गड्ढे जो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, और एक वो गड्ढे, देखिए ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, ये ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे एक गड्ढे ऐसे भी हैं जो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, उनका तिकोना है वो नीचे की तरफ, ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ऐसा, ठीक है। तो ये दो गड्ढे हैं, अगर मैं इस ये सब मान लीजिए चिपके हुए हैं, ठीक है, ये सारे स्फीयर्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं, और मान लीजिए कि मैं अचानक इनको पलट देता हूं, पलटने से क्या होगा, जितने भी गड्ढे जो ऊपर की तरफ थे वो अब किधर हो जाएंगे, नीचे की तरफ, और जितने भी गड्ढे नीचे की तरफ थे वो किधर हो जाएंगे, ऊपर की तरफ। ऊपर वाले गड्ढे और नीचे वाले गड्ढे अगर अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ले रहे हैं, अपना रोल इंटरचेंज कर ले रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं वो दोनों सिमिलर हैं, ठीक है, क्योंकि दो सिमिलर चीजें ही एक दूसरे के रोल में आ सकती है, ठीक है, एक दूसरे में के रोल में रोल इंटरचेंज कर सकते हैं तब जब वो दोनों सेम हो। तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि फर्स्ट लेयर लगाने के बाद जो भी दो गड्ढे बन रहे हैं वो दोनों गड्ढे जो हैं एक जैसे ही हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, तभी वो अपना रोल अपना पोजीशन इंटरचेंज कर ले रहे हैं। आप इसको पलटिए, ए जो जो जिसको आप ए कह रहे थे, जिसको आप ए कह रहे थे वो बी हो जाएगा, और जिसको आप बी कह रहे थे वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, फर्स्ट लेयर लगाने पर मुझे कुछ भी नया नहीं मिलता, ठीक है ना, दोनों दोनों गड्ढे एक जैसे ही हैं, इसलिए सेकेंड लेयर आप चाहे ये ऊपर पॉइंट करने वाले गड्ढों जिनको मैं ए कह रहा हूं उस पर लगाइए, या नीचे पॉइंट करने वाले गड्ढे जिनको बी कह रहा हूं उस पर लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों कंडीशन एक जैसी है। क्यों? क्योंकि दोनों ग्रूव्स या दोनों गड्ढे एक जैसे हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं ए के ऊपर ए को सेंटर मानकर है ना सेकेंड लेयर लगाऊंगा, ठीक है, तो ए को सेंटर मानकर मैं सेकेंड लेयर लगा रहा हूं, ठीक है, ये ऊपर वाले गड्ढों को सेंटर मानकर मैं सेकेंड लेयर अरेंज करना शुरू कर रहा हूं। फिर यहां पे ये गड्ढे ऊपर की तरफ हैं, यहां ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे, ठीक है, फिर यहां, फिर ये ऊपर की तरफ पॉइंट करने वाले गड्ढे, ठीक है ना, ऐसे यहां यहां इनको सेंटर्स मानकर मैं स्फीयर रखूंगा, फिर यहां पर मैं रख सकता हूं यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसको ड्रॉ किया जाए, है ना, इसको ड्रॉ करते वक्त हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि आप चीजों को धीरे धीरे ड्रॉ करें, ये एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, वहां से भी आप रेफर कर सकते हैं। और ये मैंने इसको सेंटर मान के ड्रॉ किया, इसको सेंटर मान के ये ड्रॉ कर लिया, इसको सेंटर मानकर ड्रॉ कर लिया। तो ऐसे ही हम लोग सेकेंड लेयर लगा सकते हैं इसके ऊपर, सेकेंड लेयर, ठीक है, और यहां फिर मैं यहां पे भी एक ऐसे हम लोगों ने इसको लगा लिया। अब अगर हम जब सेकेंड लेयर लगा लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है, सेकेंड लेयर लगा लेते हैं,
तो आप देखेंगे कि सेकेंड लेयर लगाने के बाद अब दो तरह के गड्ढे हैं जिनके ऊपर आपको कंसंट्रेट करना होगा। एक रेड लेयर जो है वो सेकेंड लेयर है, मैं इसको याद दिलाऊं आपको कि दिस इज फर्स्ट लेयर, ठीक है, ये एक फर्स्ट लेयर है और ये जो रेड है ये सेकेंड लेयर है, ठीक है, सेकेंड लेयर है। अब अगर मैं सेकेंड लेयर लगाता हूं तो मुझे दो तरह के गड्ढे दिखते हैं। एक ऐसे गड्ढे हैं रेड वाले जो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, इनको मैं ना सी कह रहा हूं, सी। और एक ऐसे रेड से ही बनने वाले, सेकेंड लेयर से बनने वाले ऐसे गड्ढे हैं जो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, और ये जो ऊपर की तरफ पॉइंट करने वाले गड्ढे हैं वो काले वाले गड्ढे के ऊपर है, ठीक है ना। तो इनको इनको मैं ये एक एक, एक गड्ढा हो गया जो रेड रेड रंग से रेड लेयर से बना है जो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, और एक जो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। जो गड्ढा नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, जो 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 ग्रुप जो है नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, वो काले वाले स्फीयर के ऊपर है। देखिए ये जो रेड वाला जो गड्ढा है ये काले वाले स्फीयर के ऊपर है, जबकि ये जो रेड वाला गड्ढा है ये एक गड्ढे के ऊपर है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर दो तरह की चीजें बन गई हैं। एक ये, इसको मैं सी कह रहा हूं, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, इसको मैं सी कह रहा हूं। एक गड्ढा ऐसा बन रहा है जिसको मैं सी कह रहा हूं, ठीक है ना, और वो इस तरह का है जो काले वाले स्फीयर के ऊपर बन रहा है। और एक रेड जो गड्ढा है जो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है उसको मैं डी कह रहा हूं। ये गड्ढा जो है वो काले वाले गड्ढे के ठीक ऊपर बन रहा है। पहली लेयर में जो काला गड्ढा था उसके ऊपर ये ठीक ऐसे यहां बन रहा है, ठीक है ना। तो मैं देख सकते हैं हम लोग कि ये एक होल के ऊपर होल है, जबकि यहां पर जो जो वेकेंट स्पेस है वो एक स्फीयर के ऊपर है। यहां जो वेकेंट स्पेस रेड के वजह से बना है, यहां जो वेकेंट स्पेस रेड वाले के वजह से बना है वो वेकेंट स्पेस काले वाले लेयर के वेकेंट स्पेस के ऊपर है। तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। जैसे फर्स्ट लेयर में हमने जब लगाया था तो दो वेकेंट स्पेस जरूर दिख रहे थे, पर उन दोनों वेकेंट स्पेस में कोई अंतर इसलिए नहीं था क्योंकि जैसे ही हम उनको क्या उस लेयर को ऐसे पलटते थे दोनों स्पेस एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते थे। लेकिन सेकेंड लेयर लगाने के बाद अब इन दोनों को इंटरचेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये और ये डिफरेंट है। ये जो स्पेस है वेकेंट स्पेस है सेकेंड लेयर का वो एक ब्लैक स्फीयर के ऊपर है, जबकि ये जो सेकेंड लेयर के बनने से वेकेंट स्पेस बना है वो एक वेकेंट स्पेस के ऊपर है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो तरह के वेकेंट स्पेस हैं तो थर्ड लेयर हम दो तरीके से लगा सकते हैं। थर्ड लेयर हम सी पे भी लगा सकते हैं और थर्ड लेयर हम कहां डी पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। यानी थर्ड लेयर लगाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, दो केसेस हैं। तो आइए इनको केस वाइज स्टडी करते हैं। केस फर्स्ट व्हेन थर्ड लेयर इज प्लेस्ड, when third layer is placed above C, ठीक है। अगर हम C के ऊपर third layer लगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, आइए इसको पढ़ते हैं। third layer C के ऊपर लगाएंगे तो क्या होगा, एक example ले लेते हैं। मान लीजिए ये काला वाला पे आप concentrate करिए, ये काला sphere ये रहा, ठीक है, ये काला sphere ये रहा, और इस काले के ऊपर तीन लाल हैं ऐसे, एक red sphere, एक दूसरा red sphere और ये तीसरा रेड स्फीयर, ठीक है। ये तीन रेड स्फीयर्स यहां पे हैं, एक दो थ्री तीन। अब अगर आप इसके सेंटर को, ठीक है, अब इसके सेंटर को अगर आप एक सेंटर मानकर, इस सी को अगर आप एक सेंटर मानकर इसके ऊपर एक और स्फीयर रखेंगे, ठीक है, एक और स्फीयर रखेंगे तो ये ठीक काले वाले स्फीयर के ऊपर होगा। यानी काला, फिर तीन लाल और उसके ऊपर ब्लू, जो है ब्लू और ब्लैक ठीक एक दूसरे के ऊपर होंगे। अब मैं कह सकता हूं दिस इज लाइक फर्स्ट लेयर, ठीक है, ये चीज आपकी फर्स्ट लेयर है, ब्लैक इज फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लेयर, रेड इज सेकेंड लेयर, ठीक है, ये आपका सेकेंड लेयर है, और ब्लू इज थर्ड लेयर, थर्ड लेयर। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लेयर के जो का जो ब्लैक है उसके ठीक ऊपर थर्ड लेयर का एक ब्लू है। यानी अगर एक काले, एक फर्स्ट लेयर के एक काले के ऊपर थर्ड लेयर का एक ब्लू है,
बगल वाले काले के ऊपर भी ब्लू होगा, उसके बगल वाले काले के ऊपर भी ब्लू होगा, यानी आप कह सकते हैं जो ब्लैक लेयर है और जो क्या है ब्लू लेयर है ना, वो दोनों क्या होगी एग्जैक्टली सेम होगी, क्योंकि हर ब्लैक के ऊपर ब्लू है, तो जितने ब्लैक होंगे उनके ठीक ऊपर ब्लू होगा, यानी पूरी ब्लैक लेयर और पूरी ब्लू लेयर क्या होगी एक जैसी हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए इस तरह की क्लोज्ड पैकिंग को अगर मैं इसको ए कहता हूं लेयर, इसको बी लेयर कहता हूं, तो मुझे फिर से इसको ए कहना होगा, क्यों? क्योंकि ए लेयर जो है उसके ऊपर दूसरी लेयर है, इसलिए मैंने बी कहा, लेकिन तीसरी लेयर फिर से पहले जैसी ही है तो उसे हम फिर ए कहेंगे, फिर उसके ऊपर जो आएगा उसे हम क्या कहेंगे बी कहेंगे। इसीलिए है ना, इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है ना, इसको हम लोग ए बी ए बी ए बी टाइप क्लोज्ड पैकिंग कहते हैं, टाइप क्लोज्ड पैकिंग कहा जाता है, ठीक है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने अभी इसी लेक्चर में हेक्सागोनल यूनिट सेल पढ़ा है अभी, ठीक है। हेक्सागोनल यूनिट सेल कैसा होता है, मैंने अभी बनाया था उसके ऊपर चीजें डिराइव की थी इस लेक्चर में। हेक्सागोनल यूनिट सेल ऐसे होते हैं जिसमें है ना चीजें इस तरह से अरेंज्ड होती हैं, ऐसे ऐसे अरेंजमेंट होता है, और बीच में ये एक तीन रेड होते हैं। अगर मैं किसी भी वजह से इसको ब्लू कर दूं अगर, तो आप पाएंगे कि ये अरेंजमेंट बिल्कुल ऊपर मेंशन्ड अरेंजमेंट जैसा ही है, ठीक है ना। कैसे, आप देखिए ध्यान दीजिए है ना, ये ऊपर अरेंजमेंट, ऊपर वाले अरेंजमेंट जैसा ही है, क्यों? ये ब्लैक फर्स्ट लेयर हो गया, ठीक है, फर्स्ट लेयर जिसको मैं क्या कह रहा हूं ए कह रहा हूं, ये रेड जो है वो क्या हो जाएगा सेकेंड लेयर, जिसको मैं क्या कह रहा हूं बी कह रहा हूं, और ये जो ब्लू है ये थर्ड लेयर हो गया, थर्ड लेयर जिसको मैं अगेन ए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ब्लैक के ठीक ऊपर क्या है ब्लू है, इस ब्लैक के ऊपर, इस ब्लैक के ऊपर ठीक ऊपर ब्लू हो जाएगा, ठीक है। इस ब्लैक के ऊपर ब्लू है, इस ब्लैक के ऊपर ब्लू है, लेकिन थर्ड लेयर में, फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर अलग है और थर्ड लेयर में ब्लू है, ब्लैक के ऊपर ब्लू, ब्लैक के ऊपर ब्लू है, ठीक है। तो मैंने देखा कि ये जो हम अरेंजमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं ए बी ए बी ए बी टाइप अरेंजमेंट की, अगर ये क्लोज पैकिंग है तो उसका यूनिट सेल यही है, ठीक है। इसी को बार 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 रिपीट करने पर हमको इस तरह का अरेंजमेंट मिल सकता है। यही वजह है कि ए बी ए बी ए बी टाइप क्लोज को लोगों ने है ना एक और नाम से पुकारना शुरू किया, क्योंकि इसका यूनिट सेल है ना हेक्सागोनल यूनिट सेल है, इसलिए इस पैकिंग को हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कहते हैं, ठीक है। सिंस यूनिट सेल ऑफ ए बी ए बी टाइप क्रिस्टल या क्लोज्ड पैकिंग इज हेक्सागोनल यूनिट सेल, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। क्या कहते हैं? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, HCP, क्लोज्ड पैकिंग। तो आज से एक चीज मुझे समझ में आ गई, क्या? कि ए बी ए बी ए बी को ही, ए बी ए बी ए बी टाइप क्लोज्ड पैकिंग को ही हम एक और नाम से पुकारते हैं, क्या कहते हैं? HCP क्लोज्ड, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है, है ना। ये दोनों की का मतलब क्या हो जाता है? सेम हो जाएगा, ठीक है। ए बी ए बी ए बी टाइप क्लोज्ड पैकिंग को ही हम लोग हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अगली चीज क्या ध्यान देने वाली बात है, अब इस क्लोज्ड पैकिंग के बारे में जो भी चीज पूछी जाएगी, देखिए जो बात ईंट के लिए ट्रू है वही इमारत के लिए ट्रू होगी, या जो बात इमारत के लिए ट्रू है वो ईंट के लिए भी ट्रू होगी, ठीक है। तो ये ईंट है, ये चीज यूनिट सेल है, बार 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 रिपीट करने से ये पैकिंग आ रही है, ए बी ए बी ए बी टाइप पैकिंग आ रही है, ठीक है। तो जो भी ए बी ए बी टाइप पैकिंग के बारे में पूछा जाएगा, आप उसको हेक्सागोनल यूनिट सेल को देखकर बता सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई पूछे कि ना ए बी ए बी ए बी टाइप पैकिंग का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, ठीक है, तो मैंने अभी डिराइव किया इस लेक्चर में कि हेक्सागोनल यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, 0.74। तो याद रखिए 0.74 ए बी ए बी टाइप या HCP का भी पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि ए बी ए बी ए बी टाइप क्लोज पैकिंग का है ना कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देख लीजिए, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देख लीजिए, और
आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ए बी ए बी ए बी टाइप का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। आप देख सकते हैं मैंने इसको हेक्सागोनल यूनिट सेल में पढ़ाया भी था, मैं यहां पे फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। ये जो ब्लैक स्फीयर है इसको अपने लेयर में कितने लोग टच कर रहे हैं? 6। ऊपर से कितने लोग टच कर रहे हैं? 3। और नीचे से भी कितने लोग टच कर रहे होंगे? 3। यानी टोटल कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, और मुझे पता भी है कि है ना कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है किसके लिए? हेक्सागोनल यूनिट सेल के लिए। ठीक है, तो हमने देखा कि यहां पर हम लोगों ने एक अरेंजमेंट किया जिसमें एक लेयर जैसी थी, दूसरी अलग, तीसरी अलग, तीसरी पहले जैसी हो गई। इसको हम लोगों ने नाम दिया क्या? ए बी ए बी ए बी, जिसको हम लोग ने अभी देखा कि इसका यूनिट सेल हेक्सागोनल यूनिट सेल है, तो इसका एक और नाम हो गया क्या? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये उसका पैकिंग फ्रैक्शन है और ये इसका क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब सेकेंड केस भी बन सकता है क्या? सेकेंड केस क्या बन सकता है कि अगर हम थर्ड लेयर को सी पे ना रख के डी पे रखें तो हमें क्या मिलेगा? आइए देखते हैं। ठीक है, तो वो हमारा केस नंबर 2 हो जाएगा। सो केस सेकेंड क्या हो जाएगा? यहां पर केस सेकेंड हो जाएगा व्हेन थर्ड लेयर इज प्लेस्ड अबव, अबव व्हाट? ठीक है, अबव डी। डी कैसा है? डी ऐसा है, ऐसे ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है और ये एक काले गड्ढे के ऊपर है। ठीक है ना, अब अगर हम यहां डी को रखते हैं, इस डी के ऊपर थर्ड लेयर रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? आइए एनालाइज करते हैं। अब होता क्या है, यहां पर हम लोग को इसको मेन क्लोज पैकिंग में ही विजुअलाइज करना होगा। ठीक है, अगर मैं आपका ध्यान यहां पे खींचना चाहता हूं, ऐसा समझिए कि आप इन तीन ब्लैक स्फीयर्स को देखिए, 1, 2, 3। ठीक है, ये तीन दिख रहे हैं आपको, यहां बना लीजिए 1, 2, 3। ठीक है ना, ये मैंने तीन स्फीयर्स बना लिए ब्लैक। मैं फिर दिखाऊं आपको, ये रहा 1, 2, 3 और तीन रेड देखिए जो ठीक उल्टे अरेंजमेंट में है 1। ठीक है ना, 2 और क्या 3। ठीक है ना, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ये स्फीयर्स है 1, 2, 3। यहां पे मैंने ऐसे किया 1, 2 और 3। ठीक है, ये आपका जो जगह बन रही है ये, इसी को डी कहते हैं, जो कि ऐसे ऊपर पॉइंट करने वाले रेड और नीचे पॉइंट करने वाले क्या ब्लैक के बीच में है। ठीक है, अब अगर मैं इसके ऊपर थर्ड लेयर रखूं ब्लू की, ठीक है, यहां पे मैं अगर ब्लू का थर्ड लेयर रखूं ऐसे, तो ये अरेंजमेंट जो है एक नया अरेंजमेंट मुझे मिलेगा। ठीक है, मैं इसके ऊपर भी रखना चाहता हूं, अगर मैं ब्लू रखना चाहूं तो मैं यहां रख सकता हूं। तो आप इसको ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल तो है ही, ठीक है ना, आप इसको ड्रॉ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं ना, आप इसको स्पेयर टाइम में खुद भी ड्रॉ करके देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये थर्ड लेयर इस तरह से लगना शुरू हो जाएगी और ये जो अरेंजमेंट बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह का एक अरेंजमेंट बनता जाएगा। ठीक है, ऐसे यहां पे भी बन जाएगा। इस तरह का एक अरेंजमेंट डेवलप हो जाएगा। ये मैंने थर्ड लेयर कहां रखी है? रखी है उस ग्रुप के ऊपर जिसको हम डी कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट लेयर है, दिस इज फर्स्ट लेयर, है ना, दिस रेड वन इज व्हाट, सेकेंड लेयर, और ये जो ब्लू वाला है ये क्या है? थर्ड लेयर है। ठीक है, लेयर है, तो मैं कह सकता हूं कि तीनों लेयर एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा। ठीक है ना, लेकिन जो चौथी लेयर रखेंगे वो फिर से पहले जैसी हो जाएगी। ठीक है, यानी ये जो अरेंजमेंट है, अगर आप इसको ए कहिए, इसको बी कहिए और इस अरेंजमेंट को क्या कहिए? सी कहिए। ए अगर आप इसको बी कहते हैं और इस अरेंजमेंट को अगर आप सी कहते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ये कैसा अरेंजमेंट होगा? एबीसी टाइप अरेंजमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों लेयर अलग है, तो इस तरह का अरेंजमेंट अक्सर
एबीसी टाइप क्लोज्ड पैकिंग कहा जाता है, क्लोज्ड पैकिंग कहा जाता है। लेकिन यहां पे क्लियर नहीं हो रहा कि इसका यूनिट सेल क्या होगा, ठीक है? तो इसका यूनिट सेल, इसके यूनिट सेल को समझने के लिए यहां पे मेरे पास एक मॉडल है, ठीक है ना, एक मॉडल है, इसको ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको फर्स्ट लेयर कहता हूं, ठीक है, इफ आई कॉल दिस एज फर्स्ट लेयर, जो कि ये फर्स्ट लेयर है भी, इस लेयर में एक ही एटम है यहां पर, ठीक है, ये फर्स्ट लेयर है। अगर मैं इसको फर्स्ट लेयर कह रहा हूं, तो आप देख सकते हैं जितने भी रेड हैं वो क्या होंगे, सेकेंड लेयर हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी रेड हैं आप देख सकते हैं यहां पे, जितने भी रेड हैं, ये रेड, ये रेड, ये रेड, ये रेड, ये रेड, ये सारे सेकेंड लेयर हो जाएंगे। फिर उनके ऊपर ये जो सारे क्या हैं, ब्लू हैं, हाँ बिल्कुल, ये जो ब्लू हैं ये क्या हो जाएगा आपका, थर्ड लेयर हो जाएगा। और ठीक इस ग्रीन के ठीक ऊपर ये ग्रीन है, यानी फोर्थ लेयर फिर से किसकी तरह है, पहले वाले की तरह है। यानी अगर मैं इस लेयर को ए कहूं तो मैं सेफली इसको क्या कह सकता हूं, बी, इस लेयर को क्या कह सकता हूं, सी, और फिर से ये वाली जो लेयर है वो किसकी तरह बिहेव करेगी, ए की तरह बिहेव करेगी। और लेकिन ये है क्या, अगर आप इसको गौर से देखिए तो ये एक्चुअली एफ सी सी है, ठीक है ना, ये एक एफ सी सी है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। तो मुझे एक चीज समझ में आई क्या, कि एबीसी एबीसी टाइप क्रिस्टल का जो क्लोज्ड पैकिंग होता है, नहीं, जो यूनिट सेल होता है ना, वो एफसीसी होता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ ड्रॉ करने की, ठीक है ना, मैं एफसीसी को ड्रॉ करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। आइए इसको ऐसे देखते हैं, मान लीजिए ये एक एफसीसी मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये फर्स्ट लेयर है, ठीक है ना, फर्स्ट लेयर है जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूं, ये फर्स्ट लेयर है जिसे मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है ना, ये ब्लैक कर दिया, ये इस तरह का है, ये फर्स्ट लेयर है, और मैं इसको ऐसे देख रहा हूं, ठीक है ना, यानी ये जो है ये यहां पे है, ठीक है, यहां पे है। अगर मैं रेड को सेकेंड लेयर कहता हूं, ठीक है, अगर मैं रेड को सेकेंड लेयर कहता हूं और इस ग्रीन को मैं यहां ब्लैक की तरह दिखा रहा हूं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो रेड है ये कहां कहां है, एक यहां पर है, इस कोने पे है, ठीक है, इस कोने पे एक रेड है, फिर कहां है, ये इस फेस और इस फेस के क्या, फेस सेंटर्स पे है, ठीक है, यानी ये इस फेस के फेस सेंटर पे होगा, ठीक है ना, ये इस फेस के फेस सेंटर पे होगा। थोड़ा सा मुझे ये नीचे बनाना चाहिए, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड जरूर है लेकिन आपको समझ में आएगा। यहां पे एक रेड हो गया, ये वाला रेड हो गया, ये दोनों जो फेस सेंटर वाले रेड हैं वो मैं यहां बना रहा हूं, ये इस फेस का फेस सेंटर और ये इस फेस का फेस सेंटर, ये ऐसे हैं, ठीक है। और ये जो पीछे वाले स्फेयर्स हैं, ये वाला फेस सेंटर, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर ये रहा, और ये वाला कॉर्नर मैंने यहां बना दिया, ठीक है, यहां बना दिया। और जो एक पीछे फेस बन रहा होगा, जो एक पीछे फेस बन रहा हो, जिसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, ठीक है, ये जो फेस पीछे बन रहा है, इसका इसका जो फेस सेंटर है, आप ध्यान दीजिए, ये वाला रेड ये रहा, ये दोनों रेड ये रहे, ये रेड और ये रेड, ये और ये रहा, लेकिन ये जो पीछे रेड है, पीछे जो रेड है ये कहां है, पीछे वाले फेस के क्या, हाँ, सेंटर पे, ठीक है। तो ये अगर पीछे वाला मैंने डॉटेड फेस बनाया है, इसके फेस सेंटर पे है, ठीक है, फेस सेंटर पे है। अच्छा, मैं कह सकता हूं कि ये एक कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है, कि ये ब्लैक वाला यहां पे है, ठीक है, ये रेड वाला जो स्फीयर है ये ऐसे अरेंज है, ये जो काल रेड है ये यहां पे मैंने बनाया, फिर इसके पीछे जो दो फेस सेंटर है, देखिए ये जब अपने आप ग्रो कर जाएंगे अपनी जगह, तो ये छह हो लोग, ये तीन, ये दो और ये सभी स्फीयर्स को ग्रो करते हुए महसूस करिए, तो लगेगा जैसे ये तीनों, वो दोनों और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है। इस एक लाल के पीछे दो लाल है, ये दो लाल ये वाले हैं, ठीक है, ये दो लाल यहां पे हैं, ये दो लाल ऐसे हो जाएंगे, ये इसके पीछे हैं,
और उसके इन दोनों लाल के पीछे तीन लाल हैं ऐसे, ठीक है, ये वाले, ये और ये, ठीक है, ये तीनों लाल ऐसे हैं यहां पे। अब बल्कि इनको टू डायमेंशनली भी देख सकते हैं, कैसे, ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, एक लाल, फिर इसके पीछे दो लाल, ठीक है ना, दो लाल हो जाएंगे इसके पीछे, ठीक है, और उसके पीछे तीन लाल, यानी ऐसे एक दो और यहां पे क्या तीन, ये तीन इसके पीछे आ जाएंगे, ठीक है, ये तीन लाल हैं इसके पीछे, ठीक है। तो यहां तीन स्फीयर है, इसको मैं अगर लेयर ए कह रहा हूं तो ये लेयर अपने आप क्या हो जाएगी, बी लेयर हो जाएगी। आइए सी लेयर ड्रॉ करते हैं ब्लू स्फीयर्स की, ठीक है, ब्लू स्फीयर्स की सी लेयर ड्रॉ करते हैं। अब अगर ये ए मैंने बना लिया तो सी कैसे बनेगा, सी ऐसे बनेगा, सी लेयर जो बनेगी उसमें ऐसा कुछ है कि ये तीनों ब्लू जो है ये हो जाएंगे, एक ये कोने वाला ब्लू हो गया, ये वाला, ये जो है ये इस फेस के सेंटर वाला ब्लू हो गया, ठीक है, और ये जो है ये इस फेस के सेंटर वाला, ये कॉर्नर वाला ब्लू हो गया, ये दोनों जो है वो इस फेस के सेंटर पे होंगे, इस वाले फेस के सेंटर पे ये वाला ब्लू है और इस वाले फेस के सेंटर पे ये वाला ब्लू है, यानी इस वाले पीछे वाले फेस के सेंटर पे ये वाला ब्लू होगा, ठीक है, और एक जो है ये कॉर्नर पे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अरेंजमेंट अलग है, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी, इस कॉर्नर को एक्चुअली आगे होना चाहिए, तो अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। इस कॉर्नर को भी ऊपर जाने दीजिए, ठीक है। तो अब बहुत क्लियर है, देखिए ये कौन सा, ये वाला, ये कौन सा है ना, इस ऊपर वाले फेस का क्या, फेस सेंटर, ठीक है ना, फेस सेंटर, इस वाले फेस का फेस सेंटर, ये कौन सा, ये कोने वाला, ये दोनों कौन से, इस फेस और इस फेस के क्या, फेस सेंटर्स, ठीक है, और ये जो पीछे वाला है वो यहां है, ठीक है ना, ये जो पीछे वाला है वो यहां पे है। तो इस अरेंजमेंट को आप देख सकते हैं, ये एक दो और ये तीन ऐसे होंगे, एक दो तीन ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, उसके आगे ये और ये दो ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, और उसके आगे जो ये एक है वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे यहां पे हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सी लेयर हो गई आपकी, सी लेयर हो गई, ठीक है ना, ये सी लेयर हो गया, और फिर से सबसे ऊपर जो लेयर होगी वो काली हो जाएगी, ठीक है, ये ब्लैक लेयर हो जाएगी, ये सारी ब्लू लेयर्स हैं, ब्लू लेयर्स हैं, ठीक है। तो मैंने इसको है ना ड्रॉ भी कर दिया, ताकि जिनको चीजें मॉडल से नहीं समझ में आई उनको ऐसे भी समझ में आ जाएंगी, है ना, यहां पे ये ब्लैक स्फीयर है और इसको मैं डी कह रहा हूं, आप देख सकते हैं, है ना, ये बिल्कुल, ये जो काला है ये ठीक इसके सेंटर से निकलते हुए, इसके सेंटर के निकलते हुए ऐसे चला गया, ठीक है। अगर आप इस काले के ऊपर इसको रख दीजिए, इसको रख दीजिए, इसको रख दीजिए, तो अरेंजमेंट बिल्कुल कैसा आ जाएगा, एबीसी एबीसी टाइप अरेंजमेंट आ जाएगा। तो मैंने यहां पर देखा कि ये जो अरेंजमेंट आ रहा है, कौन सा, एबीसी एबीसी टाइप क्लोज्ड पैकिंग जो आ रही है वो बेसिकली जो है एबीसी एबीसी टाइप जो क्लोज्ड पैकिंग है वो बेसिकली एफसीसी उसका यूनिट सेल है, ठीक है ना। तो एक चीज समझ में आया कि फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, सेकंड पॉइंट, द यूनिट सेल ऑफ एबीसी एबीसी क्लोज्ड पैकिंग इज एफसीसी, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक इसका यूनिट सेल है। और अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक 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 अगर इसका यूनिट सेल है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। तो तीसरी चीज क्या हो गया, है ना, यही वजह है कि एबीसी एबीसी क्लोज्ड पैकिंग, इसीलिए हम एबीसी एबीसी क्लोज्ड पैकिंग को एक और नाम से पुकारते हैं, क्या करते हैं, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग या सीसीपी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, एबीसी एबीसी इज सीसीपी, ठीक है, एबीसी एबीसी क्लोज पैकिंग को हम सीसीपी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपसे कोई इस क्लोज पैकिंग के बारे में कोई भी प्रॉपर्टी पूछता है तो आप क्या बताएंगे, आप एफसीसी की प्रॉपर्टीज बता सकते हैं, ठीक है, यानी चौथी बात क्या बता सकते हैं, फोर्थ पॉइंट, अगर कोई पूछता है कि इसकी पैकिंग एफिशियंसी कितनी होगी,
इस एबीसी एबीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, कितनी हो जाएगी, जितनी इस एफसीसी की होगी, बिल्कुल ठीक है, जितनी इस एफसीसी की होगी, इस एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 0.74, जो कि मैंने है ना पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 4 में डिराइव किया था। ठीक है, पांचवी बात क्या, अगर कोई पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर तो भी आप निकाल सकते हैं, मैंने है ना कोऑर्डिनेशन नंबर एफसीसी का निकालना सिखाया था कि एक कोने वाला एक फेस में एक को टच करता है, एक कोने के अबाउट कितने 12 फेसेस होते हैं, 12 में एक एक को टच करेगा, ये मैं लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा चुका हूं। तो कोई भी चीज जो एबीसी एबीसी अरेंजमेंट में हो या सीसीपी अरेंजमेंट में हो है ना, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं हल्का सा समराइज करूं कि थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर तो कॉमन होती है, लेकिन थर्ड लेयर में डिफरेंस होता है। अगर थर्ड लेयर सी पे रखेंगे आप तो क्या मिलेगा, ए बी ए बी ए बी टाइप क्लोज पैकिंग मिलेगा, जिसको हम लोग एचसीबी भी कहते हैं, और उसका यूनिट सेल हेक्सागोनल यूनिट सेल होता है। जबकि अगर आप थर्ड लेयर डी पर रखते हैं तो आपको एबीसी एबीसी टाइप क्लोज पैकिंग मिलेगा। एबीसी एबीसी क्लोज पैकिंग को हम सीसीपी भी कहते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कह सकते हैं, जिसका यूनिट सेल जो है क्या होता है, एफसीसी होता है। ये मैंने अभी अभी यहां पर आपको दिखाया भी कि ये जो है तीन लेयर है ना, तीन एक दो तीन अलग अलग लेयर है, फिर चौथी रिपीट करती है। तो आज लेक्चर नंबर 5 में इतना ही, ठीक है ना, और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो हम लोग आयनिक क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ाई लिखाई करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।